हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी एंड वार्म वेलकम टू ऑल माय राइजिंग स्टार्स। सर ये राइजिंग स्टार क्या है? राइजिंग स्टार इज एन एक्सक्लूसिव बैच ऑफ आईसीएससी क्लास 9 स्टूडेंट। जी ये एक डेडिकेटेड बैच है जहां हर कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड करता हूं, लेसन वीडियोज, एमसीक्यूज और नोट्स, एवरीथिंग एब्सोल्युटली फ्री। जी सर इसके लिए करना क्या होगा? बस डिस्क्रिप्शन में जाएं, जी डिस्क्रिप्शन में जाएं और चेक करें। आपके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है राइजिंग स्टार के नाम से, टेलीग्राम चैनल है, जी टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन करें राइजिंग स्टार के नाम से, उसका भी डिस्क्रिप्शन में यस लिंक दिया हुआ है और एक फेसबुक पेज भी बना दिया है। आप जाएं ज्वाइन करें और इंजॉय करें पढ़ाई को। आपको पता नहीं चलेगा कब आपके सिलेबस फिनिश हो जाएंगे मेरे साथ। मैं पूरा यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने नोट्स को, लेसन वीडियोस को फॉलो कर लिया, योर नाइन्थ इज अ बिग सक्सेस फॉर यू। और मैं यकीन जानता हूं कि अगर आप क्लास 10th के भी मेरे यस सुपरस्टार से मिलेंगे तो वो भी आपको एनकरेज करेंगे 9th के राइजिंग स्टार्स को यस प्रमोट करने के लिए। सो लेट्स बिगिन द हिस्ट्री लेसन। आज का जो यस थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज का जो लेसन है वो है द मेडिवल इंडिया का चैप्टर दिल्ली सल्तनत। सर दिल्ली सल्तनत? हाँ, दिल्ली में जब सुल्तान रूल करते थे उस पीरियड को नाम दिया गया है दिल्ली सल्तनत। ये मुस्लिम रूलर्स होते थे जो इंडिया के यस इंडिया की कैपिटल दिल्ली में रूल करते थे। तो चलिए इमीडिएटली बिगिन करता हूं मैं और आप दिल्ली सल्तनत। कर देता हूं वीडियो को स्मॉल और स्टार्ट करता हूं दिल्ली सल्तनत। तो मेडिवल इंडिया अर्थात वो पीरियड जब इंडिया का ओल्ड यस ओल्ड इंडिया का ट्रेडिशन खत्म हो रहा था और मॉडर्न इंडिया के हम बीच में थे। तो उस समय जो रूलर्स थे जिसे मेडिवल एज कहते हैं, उस समय जो रूलर थे वो अपने आप को सुल्तान कहलाना पसंद करते थे। जी ये पीरियड था 1206 से लेके 1526 तक। दिस पीरियड जब पांच बड़ी डायनेस्टीज आई और दिल्ली को रूल किया, इस पूरे पीरियड का नाम दिया गया है दिल्ली सल्तनत। क्योंकि रूलर्स किसी भी डायनेस्टी की हो पर उनके राजा को दिल्ली एज अ कैपिटल पसंद था और वे सुल्तान कहलाना अपने आप को पसंद करते थे। आइए इनमें से सबसे पहली डायनेस्टी जी स्लेव डायनेस्टी के बारे में जानते हैं। और स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। जी कुतुबुद्दीन ऐबक। जी सर ये स्लेव डायनेस्टी नाम क्यों पड़ा? एक्चुअली कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं एक स्लेव थे। यस स्लेव डायनेस्टी को जिसको मामलुक एक अरेबिक वर्ड है। जी ये एक अरेबिक शब्द है, अरब के लोग होते हैं ना, अरब के लोग, हाँ अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है स्लेव। तो ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है गुलाम। तो ये खुद एक गुलाम था। किसका गुलाम था? ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, गोर के राजा मोहम्मद गोरी, जिसने इंडिया पे अटैक किया, दिल्ली को गुलाम बनाया, रूल किया इंडिया दिल्ली को। पर ये रुका नहीं दिल्ली में, ये वापस लौट गया। तो जब ये लौटा तो इसने अपने गुलाम मोहम्मद गौरी ने, यस मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सौंप दिया, अपने जीती हुई टेरिटरीज इसको सौंप दिया। इस तरीके से ये गुलाम से बन गया सुल्तान। पर याद रखिएगा ये सुल्तान जब बनेगा तो इसने अपने यस अपने गुरु के नाम से, अच्छा बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कुतुबुद्दीन इसका नाम है तो इसने अपने नाम से ही कुतुब मीनार बना दिया। जी नहीं, कुतुब मीनार दिल्ली में नहीं, इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट मीनार था। इसको कंस्ट्रक्ट इसने शुरू कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु के नाम से। आपको बताना है, यस मेरे राइजिंग स्टार्स को बताना है कि कुतुब मीनार किसके, यस किसके मेमोरी में बनाया गया है, अंडर हूज मेमोरी वॉज कुतुब मीनार कंस्ट्रक्टेड। याद रखिएगा उनका नाम है इस कुतुब वर्ड में, तो खुद का नाम नहीं है कुतुबुद्दीन का, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत करेगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार दिल्ली के एक प्लेस है मेहरौली नाम के प्लेस में वहां पे शुरू कराया था, बट उसी बीच उसकी मौत हो गई और उसका भी गुलाम इल्तुतमिश, यस वो भी गुलाम था
कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने अपनी बेटी की शादी भी गुलाम से की थी, अपने गुलाम से की थी, हिज स्लेव से की थी, और यही इसका स्लेव, जो उसका स्लेव सन इन लॉ था, दामाद था, ये उसका राजा बन जाएगा दिल्ली का कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद। जो इल्तुतमिश बनेगा, तो इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार को फिनिश कराया जी, कुतुब मीनार का टावर कंस्ट्रक्ट कराया। और स्लेव डायनेस्टी जिसके बारे में हम डिस्क कर रहे हैं, यस, ये पहली डायनेस्टी है सल्तनत में। अभी हम चार डायनेस्टीज के बारे में और पढ़ेंगे। मोहम्मद गोरी, यस, मोहम्मद गोरी जिसके बारे में मैंने बताया, जिसका ये गुलाम था जी कुतुबुद्दीन, उसने पृथ्वीराज चौहान जो कि एक हिंदू राजा थे, हाँ, उसको सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, सॉरी सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन में हरा दिया था। तो फर्स्ट बैटल में कब हुआ था? फर्स्ट बैटल हुआ था 1191 में। इस फर्स्ट बैटल में, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन, इस फर्स्ट टेरेन के बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था मोहम्मद गोरी से, बट उसने मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया था। और यही मोहम्मद गोरी फिर से आया अगले साल एक बड़ी सेना लेकर, इस बार उसने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जी। और यहीं से सल्तनत मुस्लिम डायनेस्टीज इंडिया में रूल करना शुरू कर गई। और आपको पता है कि मोहम्मद गोरी को इंडिया इनवाइट करने वाला कौन था? जय चंद जी, ये भी एक रूलर था इंडिया का जो पृथ्वीराज चौहान से नफरत करता था। चलिए आगे की स्टार्ट करते हैं सल्तनत के। आपने ये डायग्राम देख लिया, मैंने एक्चुअली इमेज रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आएगा इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी आएगी रजिया सुल्तान, पर रजिया सुल्तान बहुत समय तक रूल नहीं कर पाएंगी, फिर आएंगे बालबन, एंड लास्ट में जो मेन रूलर है नसरुद्दीन मोहम्मद। यस, बट याद रखिएगा जो लेटर वाले जितने भी रूलर्स हैं उनका कोई बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा है। अब सेकेंड डायनेस्टी पे आते हैं, क्योंकि याद रखिए पांच डायनेस्टीज हैं सुल्तनेट पीरियड में। सेकेंड डायनेस्टी खिलजी। अब जैसे ही स्लेव डायनेस्टी खत्म होगी, तो खत्म करने वाला स्लेव डायनेस्टी को कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी है। ये कैसा है, राजा कैसे बना? तो उसने कैकुबाद, कैकुबाद कौन था? लास्ट स्लेव डायनेस्टी का राजा था, उसको मार दिया। और जब जलालुद्दीन खिलजी राजा बन गया तो उसने फाउंड की खिलजी डायनेस्टी। देखिए व्यक्ति के नाम से ही, यस, अगर कोई महेश गुप्ता है नाम उसका किसी का, तो उसकी गुप्ता डायनेस्टी हो जाएगी, समझ गया ना? तो उसका नाम जलालुद्दीन खिलजी था, खिलजी डायनेस्टी बना दी, और स्लेव डायनेस्टी खत्म। बट आप जैसा करोगे वैसा पाओगे। इस सीन में जलालुद्दीन खिलजी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये राज जलालुद्दीन खिलजी, ये है जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने मर्डर किया था और इसका भी मर्डर हो जाएगा, पर इसका मर्डर करेगा इसका ही एक नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी, जो अपने आप को सुल्तान घोषित कर देगा। और अलाउद्दीन खिलजी इज वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। आइए जानते हैं इन्हीं के बारे में बहुत डिटेल में। अलाउद्दीन खिलजी को पूरी हिस्ट्री में जाना जाता है, हिस्ट्री में जाना जाता है मार्केट रेगुलेशन के लिए। इसने देश में, यस, अपने सुल्तानेत पीरियड में मार्केट पे पूरा कंट्रोल रखा। इसने चीजों के दाम फिक्स कर दिए, इसने फिक्स कर दिया जो जरूरत की चीजें हैं उसके दाम कभी नहीं बढ़ेंगे, चाहे वो फूड ग्रेन्स हो, शुगर हो, कुकिंग ऑयल हो, सबके प्राइसेस इसने क्या कर दिए? फिक्स करा लिए, मार्केट में कोई बेईमानी ना कर सके, चीटिंग ना कर सके। इसके लिए उसने क्या किया? इसने मार्केट कंट्रोलर व्यक्ति अपॉइंट किया। इस व्यक्ति का नाम था, इस लीडर का नाम था शाहना। शाहना के पास पावर था मार्केट को कंट्रोल करने का, मार्केट के नियम बनाने का, और वेरी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखा गया था अगर कोई दुकानदार चीटिंग करता हुआ पाया जाए या कोई दुकानदार अंडरवेइंग करे। अंडरवेइंग मतलब होता है कम वजन तौले चीज को बेचना। लिखा एक किलोग्राम है फॉर एग्जांपल और दे रहे हैं आपको 900 ग्राम, तो इसको क्या बोलोगे? अंडरवेट। इसके लिए शाहना था जी। तो इस तरीके से उसने पूरे मार्केट में नए रूल्स बनाए, नए सिस्टम बनाए, जो बाद में सब ने फॉलो किए। यस, आज भी हम फॉलो कर रहे हैं अलाउद्दीन द्वारा बनाए गए बहुत सारे रूल्स। डेक्कन को जीतने के लिए, डेक्कन मतलब होता है साउथ इंडिया, साउथ इंडिया को जीतने के लिए ये पहला सुल्तान था। यस,
कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद से ये पहला सुल्तान था जिसने नॉर्थ को जीतने के बाद साउथ में अपनी सेना भेजी मालिक कफूर के अंडर में। मालिक कफूर इसके मिलिट्री का कमांडर था जी, कमांडर। अपने कमांडर को भेजा बड़ी विशाल सेना लेकर के डेकन इंडिया को जीतने के लिए साउथ इंडिया। आप जानते हैं वहां जीत भी हासिल हुई, साउथ इंडिया के डेकन इंडिया के रूलर्स हार गए। उन्होंने इसकी ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट किया और अलाउद्दीन बहुत चालाक राजा था, वह जानता था कि साउथ इंडिया इतना दूर है, हाँ साउथ इंडिया बहुत दूर है, मैं वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा हर समय, क्योंकि उस जमाने में ट्रेन तो थी नहीं, तो घोड़ों से पहुंचने में घुड़सवारी करते करते कई महीने और इवन साल लग जाते थे एक एंड से दूसरे एंड तक इंडिया में पहुंचने के लिए। तो उन्होंने वहां पर क्या कर दिया, उनसे ट्रिब्यूट ले लिया। ट्रिब्यूट मतलब होता है एक फिक्स पैसा ले लिया, जाओ अब तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे अंडर में बस रहोगे बस। तो ये सिस्टम उन्होंने डेवलप कर दिया, खूब फंड्स पैसा इकट्ठा कर लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही कैपेबल राजा था। क्या किया उसने, उसने देखा कि कोई मेरे ही खिलाफ, मेरा ही कोई नोबल, मेरा कोई ही, यस राजा के देखिए नोबल्स किस तरह के दिखते हैं, आप इमेज में देख पाएंगे ये राजा के अलग अलग नोबल्स हैं। अरे कोई मंत्री होते हैं ना उनको नोबल्स कहते हैं भाई, अलग अलग पद पे होते हैं ना, कोई वजीर होता है, कोई इकता होता है, मतलब अलग अलग पोस्ट के लोग हैं सारे एक तरह से। तो जो नोबल्स थे इनको कंट्रोल करने के लिए राजा ने क्या किया, कहा आप मीटिंग्स नहीं कर सकते हैं, फेस्टिव ओकेशन नहीं मना सकते हैं, आपस में मैरिज अलायंस नहीं कर सकते हैं जब तक मैं परमिशन न दे दूं। क्योंकि होता क्या था, कई सारे नोबल्स मिल जाते थे और राजा के खिलाफ ही अपनी सेना खड़ी कर देते थे या राजा को मार देते थे। तो उनको रोकने के लिए इसने बड़े स्ट्रिक्ट नियम बनाए थे। इसने शराब का सेवन करना, यूज ऑफ शराब, वाइन, इंटॉक्सिकेंट्स, नशे की चीजें बैन कर दिया था। गैम्बलिंग तो एकदम सख्त मना था, गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलना, लोग खेलते ना, और गैम्बलर्स को तो बड़ी स्ट्रिक्ट सजा देता था ये। किसी भी तरह की गैम्बलिंग अलाउड नहीं थी इसके राज में, ना गैम्बलिंग खेलना ना गैम्बलर, ये पॉइंट रिपीट दिखाई दे रहा है मुझे। और उसने क्या किया, ही स्टॉप द सोल्जर्स पेइंग इन लैंड, है ना, पहले जमाने में राजा सोल्जर्स को जमीन का एक टुकड़ा दे देते थे, इसने मना कर दिया, बोला नहीं सोल्जर्स को पैसा दूंगा वो भी नगद, कैश सैलरी दूंगा, इससे मेरे सोल्जर्स मेरे काबू में रहेंगे, और लैंड देने से क्या हो जाएगा, सोल्जर्स पूरे लैंड के मालिक बन जाएंगे। और क्या किया, इसने एक सिपाही रखे, सिपाही क्या होते हैं, खुफिया सैनिक रखे, ताकि नोबल्स की एक्टिविटी पर नजर रखे, ये चुपचाप पता करता रहता था कोई नोबल्स उसके खिलाफ सेना तो नहीं बना रहे, कहीं उसके खिलाफ कोई योजना तो नहीं बना रहे उसको मारने के लिए, अगर ऐसा कुछ होता था तो वो उस नोबल को तुरंत खत्म करवा देता था, कोई माफी नहीं, कोई दया नहीं, फिनिश। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही क्लेवर राजा था और उसने मिलिट्री रिफॉर्म्स किए, अपनी सेना में बदलाव किए। सबसे पहला रूलर था दिल्ली का जिसने एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखी। इससे पहले क्या होता था, राजा के पास अपनी खुद की तैयार सेना नहीं होती थी, जैसे फॉर एग्जांपल युद्ध पे जाना है तो अभी वो सेना क्या करते थे, बुलाते थे, तैयार करते थे, गांव से लोगों को, फार्मर्स को, पीजेंट्स को बुला लेते थे, आओ आओ सैनिक बन जाओ। ये कहता ना 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 ना, मेरे पास हमेशा हर वक्त मेरे स्टैंडिंग आर्मी रहेगी, परमानेंट सेना हमेशा तैयार रखता था। और तो और इसने अपनी सेना को स्ट्रांग बनाने के लिए विदेशों से हाई क्वालिटी के घोड़े मंगवाए, हाँ डर्बी के घोड़े बनाए, और इस घोड़ों को कोई चोरी ना कर ले इनकी ब्रांडिंग कर दिया। आप एक इमेज में देखेंगे घोड़े की ब्रांडिंग हो रही है, देखिए डब्लू लिख करके, गरम से लोहे से डब्लू लिख करके एकदम जला करके, आग की भट्टी में डब्लू को जलाया गया है और जाकर के घोड़े की पीठ पे लगा दिया जा रहा है। इससे क्या होगा, देखिए इस तरह का निशान बन जाएगा जैसा कि बीटी लिखा दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, इमेज पे आप देख पा रहे होंगे, वैसे घोड़ों पे दाग लगा देते थे। इससे क्या होता था, पहचान में आता था कि ये घोड़ा राजा का ही है, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता या इंफीरियर घोड़ों से इसके साथ कोई मिक्स नहीं कर सकता, राजा का घोड़ा राजा के पास ही रहेगा, फुल कंट्रोल में रहेगा। देखा ब्रांडिंग कर देते थे घोड़ों की भी, दाग लगा करके, निशान लगा के, परमानेंट निशान लगा करके। और तो और सिपाहियों पे भी उन्होंने चेहरा सिस्टम शुरू किया। चेहरा सिस्टम मतलब होता है सिपाहियों को आईडी कार्ड दिया कि आप जहां भी जाएंगे ये आईडी कार्ड लेके जाएंगे। तो इस तरीके जैसे आपको स्कूल में मिला हुआ है आईडी कार्ड, आपकी पहचान है आपके स्कूल में मिला हुआ है ना आईडी कार्ड आप लोगों को जी। अब आता है मोहम्मद बिन तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद आएंगे मोहम्मद बिन तुगलक, ये एक नई डायनेस्टी है, नाम है तुगलक डायनेस्टी। अब तुगलक डायनेस्टी तीसरी, पांच डायनेस्टीज के बारे में जानना है। तुगलक डायनेस्टी में ग्यासुद्दीन तुगलक नाम के जो राजा थे
इनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। इनके बेटे आए जौना खान। जौना खान की इमेज आप देख पा रहे हैं जी, ये कोई आम राजा नहीं है। यस, इन्होंने अपनी टाइटल ली मोहम्मद बिन तुगलक जी। ये हिस्ट्री के बड़े रिमार्केबल रूलर के रूप में जाने जाते हैं। जानते हैं इनको कई बार वाइजेस्ट फूल राजा क्या है, क्या नाम दिया गया सर? वाइजेस्ट फूल, सबसे अकलमंद बेवकूफ राजा। सर ये कैसा नाम हो सकता है? आइए कुछ इसके करिश्मे बताते हैं, आप खुद कहेंगे कि ये बहुत ही अकलमंद है या एकदम ही बेवकूफ है। आइए क्या करते थे मोहम्मद बिन तुगलक, इनकी कुछ कहानियां बताते हैं। सबसे पहला काम, इमेज देख लीजिए अब, हाँ मोहम्मद बिन तुगलक को एकदम मत भूलिएगा, हाँ एकदम दिमाग में बैठा लीजिए इनको। तो सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, आइए, इन्होंने अपनी अपनी जो कैपिटल थी मोहम्मद बिन तुगलक ने शिफ्ट करा दी। पहले पहले इनकी कैपिटल थी दिल्ली में, उसको कह दिया नहीं नहीं अब दिल्ली नहीं रहेगी, देवागिरी रहेगी। अब दिल्ली तो सेंटर में नहीं था, ठीक है, इनके राज्य के सेंटर में नहीं था, ठीक है, दौलागिरी बीच में था, हाँ जिसको हम देवागिरी कह रहे हैं, इसका नाम उसने दौलताबाद भी दे दिया था। दौलताबाद को सेलेक्ट करना गलत नहीं था क्योंकि इससे अपने पूरे डेक्कन को वो कंट्रोल कर पाते, इस साउथ इंडिया को पूरे चारों तरफ वो अपने कंट्रोल कर पाते, ठीक था। बट हुआ क्या, जब उसने दिल्ली से सबको मूव करने के लिए कहा, दिल्ली से कहा सब लोग यहां जाएंगे देवागिरी जाएंगे, है ना, तो दिल्ली में फेमाइन आ गया, दिल्ली पूरी खाली हो गई और दिल्ली पे हर वक्त डर मचा रहा कि अब मंगोल ने अटैक कर दें। तो देश की कैपिटल कुछ समय के लिए क्या हो गई, दिल्ली वीरान हो गई जी। ही इनकी इतनी बेवकूफी थी कि दिल्ली को सुनसान कर दिया। अरे लोगों को क्यों शिफ्ट किया, इसने सारी प्रजा को ही दिल्ली से शिफ्ट करा करके कहां भेज दिया, देवागिरी भेज दिया, यहां भेज दिया दौलताबाद, देवागिरी का नाम। अरे अपना ऑफिस शिफ्ट करते, अपनी सेना का कमांड वहां शिफ्ट करते ना, लोगों को क्यों शिफ्ट कर दिया भाई, ये उनकी बहुत बड़ी है। सो ही ऑर्डर द पीपल ऑफ दिल्ली इवन द रिलीजियस हेड, सबको शिफ्ट कर दिया दौलताबाद। जानते हैं ना क्या हुआ बाद में, अपने उस डिसीजन को उनको बदलना पड़ा, वापस करना पड़ा क्योंकि दिल्ली वीरान हो गई, दिल्ली सुनसान हो गई, और दौलताबाद से जब लौटे तो ज्यादातर लोग तो मरमरा गए क्योंकि पहले डिस्टेंस बहुत दूर होता था, ट्रेवल करना बहुत मुश्किल होता था ना, गाड़ियां तो होती नहीं, ट्रेन तो होते नहीं थे, एरोप्लेन तो होते नहीं थे, और ना रोडवे इतने अच्छे होते थे, बैलगाड़ियों पर चलना होता था या घोड़ों पर चलना होता था। दूसरी इनकी बेवकूफी, मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी सबसे बड़ी बेवकूफी, इसने शुरू किया टोकन सिस्टम। ये क्या होता है, देखिए आप देखेंगे कि इनकी करेंसी चेंज कर दी, पहले ये करेंसी थी बाद में उन्होंने ये नई करेंसी चालू कर दी। तो उन्होंने क्या किया, ब्रॉन्ज टांका को इंट्रोड्यूस किया। ये ब्रॉन्ज है जी, याद रखिए पहले चलता था सिल्वर, तो ब्रॉन्ज टांका इसलिए मतलब ब्रॉन्ज करेंसी इसलिए यूज किया क्योंकि उनको लगा सिल्वर तो महंगी चीज है, हाँ सिल्वर तो महंगा कॉइन है, तो उसको ना यूज किया जाए क्योंकि लोगों के हाथ में जाते जाते सिल्वर क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जा रहा है, कम होता जा रहा है, घिसता जा रहा है, तो सिल्वर की शॉर्टेज थी, ठीक किया, अकलमंदी तो थी। बट ये एक्सपेरिमेंट इसलिए फेल हो गया क्योंकि इन्होंने जो टांका बनाया ब्रॉन्ज का, ये काउंटरफीट हो जा रहा था, अर्थात सब लोग प्रजा भी क्या करती थी, फर्जी फेक घर घर में लोग क्या कर रहे थे, अपने नकली ब्रॉन्ज के कॉइन बना रहे थे। पूरे देश में पूरी इकोनॉमी में क्या हो गया, नकली कॉइन जमा हो गए। एक समय तो ऐसा आया कि पूरे दरबार में राजा को जो लोग टैक्स जिसको हम लगान कहते हैं जमा करते हैं, सबने क्या कर दिया, नकली ब्रॉन्ज के कॉइन जाके जमा कर दिए क्योंकि घर में बनाना ब्रॉन्ज आसान था, सिल्वर सबके पास था नहीं तो घर में लोग बना नहीं पाते थे, तो इसीलिए यह भी क्या हो गया, इनका सिस्टम पूरा फ्लॉप हो गया। जानते हैं फिर बाद में क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर से लोगों को रिवर्स किया, कहा आप ब्रॉन्ज नहीं चलेगा अब सिल्वर चलेगा वापस, तो सारे डिसीजन देखोगे वो क्या करेगा, अपने पलट लेगा, एक और गलती करने वाला है। आइए मोहम्मद बिन तुगलक की एक और गलती, इसीलिए मैंने कहा था उनकी तस्वीर को याद कर लो, नहीं मन कर रहा पेपर स्क्रॉल करके फिर से उसकी तस्वीर को देख लो, इस वाइजेस्ट फूल राजा को। इनके प्लान्स बहुत अच्छे होते थे पर वो उस प्लान को क्या करते थे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे, प्लान में कमी रह जाती थी। यस, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बार डिसाइड किया कि हम कॉन्कर करेंगे टेरिटरीज नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन सेंट्रल एशिया, अर्थात हम सेंट्रल एशिया को भी काबू कर लेंगे। और उसी समय क्या आ गया, फेमाइन आ गया। फेमाइन आया तो लोगों ने क्या किया, कहा भैया हम टैक्सेस तो नहीं दे पाएंगे,
टैक्सेस नहीं दे पाएंगे तो लोगों को उन्होंने जोर जबरदस्ती की। दोब DOAB, दोब इज अ रीजन बिटवीन टू, ये बहुत ही फर्टाइल रीजन होता है। देखिए यहां भी एक रिवर जा रही है, ध्यान दीजिए, और ये भी एक रिवर जा रही है, बहुत ही फर्टाइल इलाका होता है। पर आप जोर जबरदस्ती करोगे, जब यहां पर अकाल आया हुआ है, फेमाइन आई हुई है, फेमाइन जानते क्या होता है ना, सूखा पड़ना। हाँ, जब क्या होता है, क्रॉप्स में उगते नहीं है, एकदम क्या होता है, सारे लोग क्या होते हैं, फील्ड्स बर्बाद हो जाते हैं। तो इस समय लोगों से अगर जबरदस्ती करेंगे टैक्स मांगने में तो क्या होगा, लोग तो विरोध करेंगे, लोग रिबेलियन करेंगे ही करेंगे, बगावत करेंगे, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, मार कटाई होगी। यही हुआ ही, लोग वहां से भाग गए, या तो छोड़ करके लड़ाई करके मरमरा गए, और ये इलाका भी क्या हो गया, बहुत समय तक वीरान पड़ गया, सूखा पड़ गया। उसको लोगों को क्या करना पड़ा, बाद में बुलाना पड़ा, इवन दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाना पड़ा, आओ भैया ये फर्टाइल जमीन फ्री में ले लो, आओ भैया कुछ करोगे खेती तब तो दोगे टैक्स। ये भी इसकी बेवकूफी थी। एक और इसका सपना था दुनिया जीतने का, मोहम्मद बिन तुगलक इंडिया तो पूरा जीत नहीं पाया था, पूरी दुनिया जीतना चाहता था। तो उसने एक बड़ी विशाल सेना बनाई, क्योंकि दुनिया जीतना है, और सबको क्या किया, पहले से ही एक साल की पैसा एडवांस दे दिया, सबको कहा पैसे ले लो हमसे एक साल के लिए, पर हम लोग मिलकर क्या करेंगे, पूरी दुनिया जीत लेंगे। लगता है दुनिया उसने देखी नहीं थी लगता है मैप में। और ही डिसाइडेड टू कॉन्कर पर्शिया एंड ईरान एंड इराक। जानते हैं क्या होगा ना, सैनिक उस एनवायरमेंट के लिए, उस कंडीशंस के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि दुनिया के अलग हिस्से हिस्से में बहुत एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन है, तो बहुत एक्सट्रीम हॉट वेदर कंडीशन है। आखिर में उसके जब लाखों सैनिक मारे गए, तो उसको अपना डिसीजन फिर से मोहम्मद बिन तुगलक को वापस लेना पड़ा। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके कौन से बेवकूफी भरे कदम को, यस आप बताइएगा मेरे राइजिंग स्टार, कि कौन सा ऐसा बेवकूफी भरा कदम था। जी मैं स्क्रीन बड़ी कर लेता हूं, आपसे बात करता हूं, कौन सा ऐसा बेवकूफी भरा कदम था मोहम्मद बिन तुगलक का, जो आपको लगता है कि बहुत यस अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा प्लान था, बट वो फ्लॉप हो गया। यस आपको बताना है, मैंने बहुत सारे प्लान बताए हैं मोहम्मद बिन तुगलक के, क्या नहीं मिल रहे हैं, एक बार स्क्रॉल करके फिर से सुनो और सारे प्लान सुनो मोहम्मद बिन तुगलक के। प्लान तो बहुत बड़े थे, योजनाएं बहुत बड़ी थी, पर सारी योजनाएं उसकी फेल हो जाती हैं और बर्बादी ही बर्बादी होती है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूं, फिर से राइजिंग स्टार हो, नाइन्थ में हो, तो प्लीज 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 डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे यस ज्वाइन करें। आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पे सारे नोट्स वीडियोस आपको हमेशा उपलब्ध रहेंगे, और मैं आपके लिए लाइव लेसन लाने को तैयार हूं। बट कमेंट बॉक्स में आपको बताना है किस लेसन का लाइव वीडियो आप चाहते हैं मेरे साथ, और अपने फ्रेंड्स को क्लासमेट्स को भी साथ में लाना नहीं भूलना है। चलिए वापस करता हूं वीडियो स्मॉल, क्योंकि अभी लेसन तो बाकी है। चलिए तो अब आया दिल्ली का सुल्तानेट एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे वहां की गवर्नमेंट, यस सुल्तान कैसे देश को एडमिनिस्टर करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है कैसे देश चला रहे थे, हाउ दे वर गवर्निंग द कंट्री। तो देखिए सुल्तानेट पीरियड में सुल्तान सबसे ऊपर होता था, सुल्तान मतलब राजा, मैंने बताया था इस सुल्तानेट पीरियड में, तो सुल्तान अपने आप को सुप्रीम मानता था, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियल सब में सबसे ऊपर कौन होता था, सुल्तान, हेड ऑफ द कंट्री। और उसके बाद कौन होते थे, वजीर, ये रहा वजीर। वजीर कौन होता है, वजीर प्राइम मिनिस्टर होता है, आपने सुना ही होगा वजीर प्राइम मिनिस्टर होता था, उसके बाद बड़े पावर होते हैं, है ना, क्योंकि देश का फाइनेंस, देश का सारा काम जो है प्राइम मिनिस्टर के पास ही होता है। हाँ, जैसे आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के पास होता है। हाँ, मैंने स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि आपको और इजीली दिखा पाए, जी और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलो, तो प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़ा ऑफिसर होता है आफ्टर दी सुल्तान। अब आते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, एक सेकंड के लिए मैं बस इसको क्लीन कर दूं, इस इमेज को, जी हाँ अब आप अच्छे से देख पा रहे होंगे क्या कहते हैं, इसको भी याद कर लेंगे तो भी याद हो जाएगा। फिर आता है दीवान ए रियासत, ये कौन होता है, दीवान ए रियासत, यस हेड होता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, जो भी दूसरी कंट्रियों के साथ रिलेशंस राजा को रखने हैं, सुल्तान को रखने हैं, तो ये उनको सपोर्ट करेगा, ये उनको एडवाइस करेगा। फिर आता है सदर उस सरदर, यस ये धर्म के गुरु होते हैं, अक्सर इनको काजी भी कहते हैं, जी ठीक सुना आपने, ये एक तरह का काजी होता है,
काजी क्या होता है? रिलीजियस मैटर पे राजा को एडवाइस देने वाला, धर्म का जानकार होता है, मिनिस्टर ऑफ इस्लाम, ठीक है ना, धर्म के ज्ञाता होते हैं लोग। इसमें चीफ सदर भी आते हैं इसके अंदर, ठीक है। कौन आते हैं? लिखा ना सदर, तो उसमें आते हैं चीफ सदर, सबसे बड़े राजा को धर्म के मामले में एडवाइस देने वाले मुखिया। फिर आते हैं दीवान ए इंशा, ये कौन होते हैं? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अर्थात दूसरे राज्यों के साथ क्या रिलेशंस होंगे, ठीक है, उनको देखने वाले। फिर आते हैं दीवान ए आरिज, ये देश का डिफेंस मिनिस्टर होता है। हाँ, जैसे आपके डिफेंस मिनिस्टर इस समय कोई सिंह साहब है, आपको बताना है, बताओगे? चलो, मुझे वेट रहेगा। हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ लखनऊ के हैं, मैं ये भी हिंट दे रहा हूं, सिंह उनके टाइटल में भी है, ये भी हिंट दे रहा हूं, पर नाम आपको गूगल करके बताना है। बताएंगे? मुझे बहुत खुशी होगी कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा मेरे राइजिंग स्टार्स का कमेंट जान करके, ये जान करके कि आपको कंसेंट भी क्लियर हो रहा है, क्योंकि आपका लाइक आपका कंसेंट मुझे एनकरेज करेगा। चलिए, तो मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, मैंने आर लिखना वर्ड लिखना शुरू कर दिया हिंट देने के लिए, पर मैंने बता दे रहा हूं नाम में उनके सिंह है, देश का डिफेंस मिनिस्टर दीवान ए आरिज, सुल्तान के पीरियड में कहलाता था। और आखिरी आखिरी हेड है कौन? काजी कुजरत, ये कौन होता है? मिनिस्टर ऑफ लॉ, ये देश को धर्म के हिसाब से चलाते थे, इस्लाम धर्म के हिसाब से चलाते थे। नाम है काजी कुजरत, है ना, QUA, क्वाजी कुजरत। तो इस तरीके से देश में क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेशन होता था। अगर आई थिंक मुझे आप ये चार्ट याद कर लेंगे तो ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा है, यस, ये जो पूरा पैराग्राफ है आपको उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, सुल्तान का जो एम्पायर होता था वो इक्ताज में बड़ा होता था। जैसे ये राज्य है तो राज में क्या होते थे? इक्ताज होते थे, इक्ता, ऐसे इसको कहते हैं इक्ता, ठीक है। चार इक्ता फर मैंने बना दिया, इक्ता वन, इक्ता टू, इक्ता थ्री, और इक्ता इक्ता को कहते हैं प्रोविंस, और प्रोविंस के हेड होते थे मुक्तीज, इसके हेड का नाम होता था मुक्ति, ठीक है ना। और नोबल्स जो इस दौरान होते थे इनको, यस, जमीन जो दी जाती थी, यस, नोबल्स को क्या करते थे राजा? रेवेन्यू कलेक्ट करने का पावर देते थे। क्या चीज? ग्रांट ऑफ रेवेन्यू, मतलब राजा उनको अधिकार देते थे कि आप जाएं और क्या करें, टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट कर लें। हाँ, राजा उनको, नोबल्स को पावर देते थे, तो इसी को कहते थे इक्ता। और जो इक्ता जिसको मिला उसे कहते थे इक्तादार। इक्तादार मतलब समझ गया ना, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला सिस्टम, और इसी को नाम दिया गया इक्ता सिस्टम। तो इस तरीके से आपका ये लेसन दिल्ली सल्तनत फिनिश कर दिया हमने, मैंने और आपने मिलकर। और मैं चाहता हूं ये सपोर्ट करें, क्योंकि याद रखिएगा, आपका हर एक लाइक, आपका हर एक एनकरेजमेंट, कमेंट मुझे प्रेरित करेगा आपको सारे मेजर सब्जेक्ट्स के मैं लेसन वीडियोस लाके दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। और नोट्स के लिए टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि टेंशन का नाम ही नहीं होना चाहिए। और आपके लिए सर तरुण रूपानी इज योर वन 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 स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। क्लास टेंथ में जब आप जाएंगे तो आप बन जाएंगे मेरे सुपर स्टार्स। जी, नाइन्थ के बैच का नाम राइजिंग स्टार है, और अगर आप कहीं सुपर स्टार हैं, टेंथ के ही स्टूडेंट हैं, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर जरूर करना, ताकि आपके सर, आपके अपने सर, सर तरुण रूपानी और सारे स्टूडेंट्स को जिनको नाइन्थ में कंटेंट्स नहीं मिल पा रहा है, नाइन्थ के स्टूडेंट्स बड़े परेशान हैं, उनको वीडियो लेसन नहीं मिल पा रहे, एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहे, उनकी हेल्प हो जाएगी। एंड आई एम श्योर आपकी एक मिनट, कुछ सेकंड्स का शेयरिंग उनके लाइफ में चेंज ला पाएगा। एंड थैंक यू एंड लव यू ऑल फॉर योर वंडरफुल शेयर। अगर आपने कर दिया है, आपको बहुत 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 धन्यवाद। नहीं किया है तो भी प्लीज कर देना। थैंक यू एंड लव यू, सी यू अनदर लेसन, बाय। और यहां दे रहा हूं मैं आपको लेसन के अदर सब्जेक्ट्स के हिंट दे रहा हूं, आप इस पे प्लेलिस्ट पे जाके भी देख सकते हैं। बाय फ्रॉम नाउ।